की साजिश होती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और न्यूज 18 इंडिया पर अब आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बीजेपी के विरोधियों में मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने की जैसे होड़सी लगी हुई है। मुसलमानों को गोलबंद करने की इस कोशिश में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का डर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। उन्हें यह एहसास कराया जा रहा है कि अगर उनके वोट बटे तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये कोशिश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुरू की और अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू इसे नए मुकाम तक ले गए। बिहार में नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर मुसलमानों से कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। सिद्धू ने भी मुसलमानों से यही कहा कि अपने वोट को बंटने ना दे। उनमें और मायावती में फर्क सिर्फ इतना सा था कि सिद्धू कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, मायावती कांग्रेस को वोट ना देकर अपने को वोट देने की बात कही। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, मुसलमानों को आखिर कब तक सिर्फ वोट बैंक माना जाएगा? दूसरा बड़ा सवाल, क्या मुसलमानों से वोटों की अपील करना सांप्रदायिकता नहीं है? और तीसरा सवाल, क्या मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने की साजिश हो रही है? आज इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं, एकजुट होकर वोट डाला, मोदी सुलग जाएगा। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी को हराना है तो मुसलमानों को डराना है। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिद्धू का ये बयान पार्टी के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में था। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है, जाहिर है सिद्धू का यह बयान मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने के लिए था, लेकिन धर्म के आधार पर वोट की अपील आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी है, लिहाजा बीजेपी ने तत्काल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस बयान के बाद बीजेपी के नेता सिद्धू पर हमलावर है। पब्लिसिटी के लिए परेशान व्यक्ति है और इसलिए पाकिस्तान जाते हैं तो झप्पी मारते हैं, वहां से निकल के बिहार आते तो मुस्लिम समाज की पप्पी लेने आ जाते हैं। अब उस पे उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनकी बात यही है और वो लोग, उन्होंने मुसलमानों का आह्वान किया और ये पूरी न्यूज हेडलाइंस के साथ पाकिस्तान में छपी है, तो ये पता नहीं किसके साथ हैं। पहले तय कर लें कि भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ हैं। इसी तरह का बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देवबंद में दिया था, मुसलमानों को एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करने की अपील की थी। इसी बयान के बाद आयोग ने उन पर 48 घंटे का बैन लगाया। फिलहाल मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। सिद्धू के बयान पर विवाद बिहार में उठा तो भला बिहार के बेगूसराय से ही चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह कैसे चुप रहते? गिरिराज ने ट्वीट किया, सिद्धू का बयान और केरल में नामांकन का दृश्य एक बात साफ साफ कहता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडे पर भारत में काम कर रहे हैं। ये नए जिन्ना का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, जनता एक होगी और पाकिस्तान एजेंडे को फेल करेगी। हालांकि गिरिराज के ट्वीट के साथ ही वायनाड से ये तस्वीरें भी मीडिया में आई। इन तस्वीरों में राहुल गांधी वायनाड के मशहूर थिरुनेल्ली मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु के इस मंदिर की केरल के हिंदू समाज में बड़ी मान्यता है। मुस्लिम बहुल वायनाड में इसे हिंदू वोट लुभाने की कोशिश के तौर पर